आप लोग को बताओ, पिछली क्लास से कुछ पूछना है तो कुछ भी पूछना है किसी को पिछली क्लास का बोलो। बच्चों जो हम लोग इस बार आज का क्लास करेंगे ना, वो हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं कि उससे करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। एक दो मिनट वेट करते हैं। वेट करो बच्चों, 2 मिनट और। गुड इवनिंग सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ बताओ तो बताओ, एक बार मैं अपने फोन में ज्वाइन कर लूं। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था हमने, बोलो कोई। सर पिछली क्लास में हमने बर्ड फ्लू के ग्राफ देखे थे और इक्वेशन वगैरह। तो आपने रिवीजन वगैरह किया क्या? यस सर। ठीक है, तो बस 1 मिनट को मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ, फिर क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग का वर्क ये है कि आप लोग साथ ही साथ क्या करते जाओ, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते जाओ एनसीईआरटी के, ठीक है। आप लोग नीट के लिए हो ना, तो नीट के लिए सबसे पहले तो आप लोग एनसीईआरटी पूरी की पूरी तरह से 100% क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कोई और पेपर। आप लोग एनसीईआरटी कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आओ आगे बढ़ते हम लोग। ये दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? तो बच्चों हमने यह पढ़ा था कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, यह कई सारे साइंटिस्ट ने मिलके दिया था ना। क्या होता है इक्वेशन, कोई सर बता दे मुझे, किसी को याद हो तो। पीवी बिल्कुल, पीवी इक्वल टू इज इक्वल यहाँ पे पी जो बच्चों था वह था प्रेशर था, एनआरटी वी जो था वो वॉल्यूम था, एन जो था यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर नंबर मोल्स ऑफ गैस, गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स था, ठीक है। आर जो था गैस कांस्टेंट था, गैस गैस कांस्टेंट कांस्टेंट, और टी क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें था इसका यूनिट, कैल्विन। क्लियर क्या। है बातें? क्लियर है। यस हमने इसके इसके लिए हमने बोला था, ये कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था इस इक्वेशन को, तो वैसे तो हमें इसको लेट से पढ़ना चाहिए, पहले वो सही कई सारे साइंटिस्ट का रूल पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको पहले बता दिया हूँ। तो जो बच्चों हमारा जो था, जो हमारे कई सारे साइंटिस्ट थे, उसमें पहले कौन से थे, बॉयल्स लॉ। सर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ने क्या बोला था, बॉयल्स ने एक डब्बे में क्या रख दिया था, गैस के मॉलिक्यूल रख गैस दिए थे, और गैस के मॉलिक्यूल पे क्या किया था, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया था फिक्स हो गया था फिर और नंबर ऑफ मोल भी फिक्स कर दिया था। फिक्स यानी कि से कांस्टेंट, फिक्स यानी कि कांस्टेंट। और आपको पता है जो आर की वैल्यू होती है वह कांस्टेंट होती है, हर एक चीज कांस्टेंट होता है। तो जब बॉयल्स ने बोला था कि जब आप किसी गैस के डब्बे में रख के उसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कांस्टेंट कर दोगे, तो जो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम के अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम घटाओगे प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या इस पे दो न्यूमेरिकल्स किए थे क्या? क्या था, हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था, पी भी इक्वल टू के, ऐसे हमने कुछ पढ़ा था। फिर इसी के बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, पी वन भी वन इक्वल टू
T2 V2, और इस पे हमने बी दो तीन क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। अच्छा तो ये टॉपिक बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया सबको? क्लियर यस सर। हो गया। अब आते हैं चार्ल्स। ये हाँ जी बताओ। के किस चीज के के कांस्टेंट था ना, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, कुछ ऐसे पढ़ा था, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b। आप बताओ, यह वाला सिंबल हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे हम, लिए था? यस सर। के इनटू 1/b हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, पी और वी को क्रॉस में कर दो, इक्वल टू के हो जाएगा क्या? यस सर। तो हमने कुछ ऐसे ही ग्राफ देखा था। हमने हमने क्या किया था, पी वर्सेस किसका ग्राफ था, पी वर्सेस 1/b का ग्राफ कैसे था, यस सर। कुछ ऐसे था ग्राफ। मान लेते हैं कि यह टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे P था और यहाँ पे 1/b था। और मान लेते हैं अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ग्राफ भी हमारा क्या होगा, चेंज हो चेंज जाएगा। दिख रहा है क्या यहाँ पे? तो यस सर। देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे अगर आप यह देखोगे ना कि टेम्परेचर क्या है, ये P और V, जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं कि P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। अगर आप क्या करो कि इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह आती है ना कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा ऊंचा होगा। ठीक है, क्लियर है बातें? ठीक यस सर। है। यस तो हमने दूसरा एक ग्राफ पढ़ा था, दूसरा ग्राफ कौन था, पी वर्सेस वी का ग्राफ था। और पी वी वर्सेस वी का ग्राफ कैसे था, आप लोग बताओ, कुछ ऐसे था, यस टेम्परेचर T1 है, कुछ ऐसे था, टेम्परेचर चेंज करेगा तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। यस तो सिंपल सी बात है, इसमें भी वही है, जो टेम्परेचर T3 है वो सबसे ज्यादा है, जिसका जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका ग्राफ भी थोड़ा ऊंचा रहेगा। ठीक है, क्लियर है बातें? यस अब अगले लॉ पे हम लगाते हैं। यहां तक ये बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा उसमें सी की वैल्यू नहीं होगी ना? उसमें सी की वैल्यू नहीं होती, आपने पढ़ा होगा वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, कहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने, थोड़ा सा भी, यस ये सर। क्लास 9th वगैरह में होता है, लेकिन पता नहीं ये सिलेबस कम करके पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, आते हैं चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ पे तो बच्चों सिंपल सी बात है, चार्ल्स ने क्या बोला था, सबसे पहले मैं इस लॉ को बताता हूँ क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने चार्ल्स ने क्या बोला था। तो इन मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्ल्स लॉ। तो बच्चों चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने भी एक डब्बे में क्या लिया था, गैस लिया था, और उन्होंने इस बार क्या किया कि किसको फिक्स कर दिया बताओ, प्रेशर को इन्होंने फिक्स कर दिया और नंबर ऑफ मोल को इन्होंने फिक्स फिक्स कर कर दिया। दिया। तो अब हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी में क्या बचा बताओ, दो चीज तो फिक्स हो गई, टी भी फिक्स हो गया और एन भी फिक्स हो गया, और आपको पता है बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। सॉरी, इस बार पी फिक्स हुआ है और टी नहीं फिक्स हुआ है, मैं यहाँ सर। टी बचा हुआ है, यानी कि पी फिक्स हो गया, बचा कौन, वी और टी। पी तो इन्होंने यह बोला था ना कि अगर आप जैसे कि मानो किसी का वॉल्यूम फिक्स कर देते हो और किसी का नंबर ऑफ मोल फिक्स कर देते हो, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टी। या फिर अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, या फिर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है दो बातें? सर। उन्होंने सिंपल यह बोला था किसी गैस का क्या कर दो, प्रेशर फिक्स कर दो, नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दो, तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है बातें? यस सर। अब देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, वी डायर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या कर सकते हो, के इंटू टी। अरे भाई ये वाला कांस्टेंट हटाने के लिए के लगाओगे, यस सर। यस या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, वी बाई टी इक्वल टू के, या यस फिर आप इसको वी वन टी वन इक्वल टू के लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी वन टी वन इक्वल टू वी टू टी टू। क्लियर है बातें? बोलो यहाँ पे कितने लोगों को नहीं क्लियर है, एक बार बताओ आप लोग। देखो मैं फिर से बताता हूं, जैसे कि देखो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वी वन टी वन इक्वल टू के कर दिया, ऐसे यहाँ पे एक और भी तो कर सकते हो, वी टू टी टू इक्वल टू के,
क्योंकि के तो कांस्टेंट है ये इसकी बी वैल्यू। टू टी टू जब प्रेशर चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल चेंज होगा। प्रेशर चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा, तो मैं क्लियर करूं क्या? देखो जैसे कि मान लो हमारे पास डब्बा है और इस डब्बे का वॉल्यूम मान लो कि 2 लीटर है, ठीक है, और टेम्परेचर उस टाइम 35 डिग्री सेल्सियस था। क्लियर बातें? अगर मान लो कि इसका वॉल्यूम आपने 2 लीटर से कितना लीटर कर दिया, 1 लीटर कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपने 1 लीटर कम किया, 1 लीटर कर दिया, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, तो समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। नहीं समझे? अरे भाई सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देखो कि जैसे कि मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास 1 केजी चीनी है, तो उस टाइम आप कितने रुपए में बेच रहे थे? 50 रुपए में बेच रहे थे। अगर वही चीनी को आधी किलो कर दो तो कितने में बेचोगे? 25 25 में।25 ये यही पूछ रहा है कि जब 2 लीटर इसका वॉल्यूम था, गैस का वॉल्यूम 2 लीटर था, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना था? 35 35 डिग्री डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब यही वॉल्यूम इसने क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया, तो पूछेगा कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो आपको पता है फॉर्मूला, V1 by T1 = V2 by, T2। तो V1 की वैल्यू 2 लीटर है और T1 की वैल्यू हमें केल्विन में रखना, याद रखना, 35 और 273 कितना होगा, 0.8 हो जाएगा और 5 ये 2 हो जाएगा, सॉरी 3 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 208 होगा क्या, सॉरी 273 होगा क्या? बोलो। यस सर 308 कहाँ से, वहां 308 होगा। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 लीटर आ गई, और हमें T2 की वैल्यू पूछा निकालनी है। है, तो आराम से नहीं कर लोगे क्या? थ्री हंड्रेड यस एट बाई टू कितना आएगा, 154। 154। ये कोई टफ है क्या? नो सर, कोई टफ नो नहीं है। सर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और इस पे ग्राफ भी आएगा, ठीक है, तो हम आगे आगे करेंगे ग्राफ वगैरह कैसे होगा। अब जैसे मान लो इस पे क्वेश्चंस आता है, आओ पहले चार्ल्स ला पढ़ लेते हैं हम लोग। चार्ल्स ला एंड गे लुसाक ला परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन गैसेस इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बैलून टेक्नोलॉजी द इन्वेस्टिगेशन। देखो यार इन लोग का जो भी ना एक्सपेरिमेंट था ना, सबका सब किस पे था, गुब्बारे पे था। आप बताओ जब हम लोग भी छोटे थे सबसे ज्यादा गुब्बारे से ही खेलते थे, उस टाइम गुब्बारा ही हुआ करता था। आजकल तो फोन आया है ना, आजकल न्यू बच्चे जो है फोन से खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे खेलते थे, अक्सर गुब्बारे वगैरह से खेलते थे, शायद में भी आपको याद हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखो उसने यह बोला ना कि जैसे मानो हमने क्या बोला, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बॉडी तो उन्होंने यह चेक किया ना कि अगर मानो अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ता है। तो बच्चों अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो पता है वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, जितना पहले होगा ना उसका 1 by 273 गुना बढ़ जाएगा। मान लो पहले कितना था, पहले मान लो कि आप कितना था, कुछ भी मान लो, 300 मान लो, 300 मान लो, तो बोल देगा कि 300 तो रहेगा ही लेकिन उसका इतना गुना बढ़ जाएगा। तो आप बढ़ाने के लिए क्या करोगे, 300 + 300 × 1/273.15, कुछ ऐसे लिखोगे क्या आप लोग? यस कुछ ऐसे लिखोगे ना आप लोग। उन्होंने यह बोला कि मान लेते हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो क्या हुआ, अगर मान लो स्टार्टिंग में 300 डिग्री सेल्सियस है, अगर 301 हो गया तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, जब 300 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था, मान लेते हैं 2 लीटर था, अगर 301 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला कौन सा है, 2 लीटर + 2 लीटर × 1/273.15, कुछ ऐसे ही होगा ना फॉर्मूला। अरे बोलो भाई, यस कुछ ऐसे ही होगा ना, सर, ऐसे ही होगा। तो इन्होंने एक समराइज अच्छे से फॉर्मूले में लिख दिया, अच्छे से फॉर्मूले में क्या लिख दिया, जब मान लो कि जब टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था, V0 था। नॉट
जब टेम्परेचर कुछ बढ़ गया यानी टी मतलब कुछ टी डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर था, तो टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो गई, उस टाइम वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे वी नॉट की, 2 लीटर होगी। वही 2 लीटर जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चला गया तो सॉरी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चला गया तो उस टाइम वॉल्यूम कितना चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, वी टी बोल दिया। ठीक है, क्लियर है क्या बात है? यस सर हाँ, यस उन्होंने एक फॉर्मूला कुछ ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया जैसे कि मान लो वी टी इक्वल टू वी जीरो प्लस टी डिवाइडेड बाई 273.15 और वी नॉट, कुछ ऐसे ही इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला दे दिया। क्लियर है क्या बात है? तो यस सर बच्चों यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, कहाँ गया, चलो ठीक है देख लेंगे इसको। कुछ ऐसे कर दिया इन्होंने, तो जैसे मान लो कि किसी भी, मान लो कोई भी गैस है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था गैस, तो उसका वो कितना, वो कितने उसका लीटर, मान लो कि 2 लीटर था, ठीक है। लीटर अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस पे चला गया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, हम वी टी बराबर क्या लिखेंगे, वी टी यानी कि वी टेन लिख देते हैं, इक्वल टू वी जीरो की वैल्यू क्या है, 2 लीटर, लीटर जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो 2 लीटर था, फिर प्लस करेंगे टेम्परेचर कितना हुआ 2 डिग्री सेल्सियस और डिवाइडेड बाई 273.15 और यहाँ पे वी नॉट है, वी नॉट की वैल्यू क्या है, 2 2 है, तो 2 यही हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है क्या बात है? ठीक यस सर है, यही यही हमारा जो, सर 2 डिग्री सेल्सियस कैसे आ गया सर? क्या यहाँ पे टी जो है वो 2 डिग्री मतलब कैसे आ गया यहाँ पे 2? कहाँ पे, सॉरी सॉरी, 10 10 कर लो यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको लीटर में ही कर दिया। ठीक है, आपने सही बोला, क्लियर बात है। सर तो इसी पे आओ, क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है कि नहीं आपके लिए। देखो यही फॉर्मूला हो जाता है, यह केल्विन में आ गया बच्चों, इसने देखो मैंने डिग्री सेल्सियस में लिखा था, लेकिन अगर आपको केल्विन में करना हो तो आप क्या करोगे, 273.15 से प्लस कर दोगे। क्लियर है, क्लियर है। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं कि नहीं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं कि नहीं। मैंने ये भी फॉर्मूला बता दिया, V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। टी हाँ ये भी टू फॉर्मूला बता दिया मैंने। ये बताओ चार्ल्स में कौन कौन से कांस्टेंट रहते हैं, ये बताओ बॉयल्स लॉ में कौन कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर टेम्परेचर, और चार्ल्स में प्रेशर प्रेशर, सर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, हमने यह फॉर्मूला पढ़ा, V1 बाई T1 इक्वल टू K पढ़ा, तो V बराबर हम T और K लिख सकते हैं क्या, यस K लिख सकते हैं। तो अगर हम वो देखें, फॉर्मूला देखें, तो Y बराबर क्या हो जाएगा, MX प्लस C। ये बताओ इसमें क्या C की वैल्यू क्या होगी, 0। सर 0 हो गई यस तो यह बताओ यह ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, सर ओरिजिन, ओरिजिन सर ओरिजिन। ओरिजिन तो जैसे ही आप यहां पे ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाओगे वॉल्यूम के बीच और टेम्परेचर के टेम्परेचर बीच, अगर टेम्परेचर केल्विन में करते हो, केल्विन में, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे सब केल्विन में पढ़ेंगे, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन वही अगर टेम्परेचर किसमें कर रहे हो, डिग्री से, सॉरी केल्विन, सॉरी डिग्री सेल्सियस में कर रहे हो, सॉरी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप वही आप सेल्सियस में करोगे, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कहाँ से, ओरिजिन से। लेकिन वही अगर आप केल्विन में लेते हो तो 273.15 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 0 डिग्री केल्विन, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उस केल्विन में वैल्यू कितना होता है उसका, 273.15, 73 नहीं समझे आप लोग, यस सर समझ गए समझ गए। तो सिंपल सी बात है कि आप बताओ इन्होंने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट किया है, तो अगर आप प्रेशर को चेंज करोगे तो ग्राफ भी चेंज होगा, यस सर क्लियर, प्रेशर को चेंज करोगे तो ग्राफ भी चेंज होगा। ठीक है, सर इसमें केल्विन वाला कौन सा है और सेल्सियस वाला सिंपल सी कौन बात,
मैं ऐसे बताता हूं, जैसे कि मान लेते कि हमने फॉर्मूला हमारा क्या है y, सॉरी मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं। आपको सिंपल सा कहां से स्टार्ट करना है, आपको ओरिजिन से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो v बराबर kt, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बताओ ये वाले फॉर्मूले से। तो आप y बराबर क्या कर सकते हो, mx कर सकते हो, mx कर सकते हो। हमारा हमारा ये k किस में है, केल्विन में है, k किस में है, केल्विन में है। और हमने यह बोला था कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टाइम बी टी होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कहां से स्टार्ट करना, ओरिजिन से स्टार्ट करना। अगर आप केल्विन से स्टार्ट करना चाहते हो तो 0 डिग्री पे कितने केल्विन होते हैं, 273.515। क्लियर है बात है सर? इसमें हमने सेल्सियस में कर रखा है तो ओरिजिन से तो नहीं है, बट ये कहां पे, इस वाले ग्राफ में यहाँ पे केल्विन बनाया गया है, यहाँ पे देखो ना 273। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 0 केल्विन लोगे, सॉरी अगर आप क्या करते हो, अगर मान लो कि हमारे पास V इक्वल टू क्या है, K इंटू टी है, तो यह बताओ टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे अभी यहाँ पे आइडियल गैस में, केल्विन। और वॉल्यूम को किस में मेजर करेंगे हम लोग, जो भी हो किसी में भी मेजर करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लो हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं तो सिंपल सी बात है, यह बताओ कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम वॉल्यूम 0 लेंगे तो केल्विन को भी आप क्या मान लो, 0 मान लो। यह बताओ अगर 0 केल्विन करोगे तो डिग्री सेल्सियस में कितनी वैल्यू आएगी, 273.15 -273.15। अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन में कितना वैल्यू आएगा, 273.15। लेकिन वही अगर 0 केल्विन हो तब कितना आएगा, -273.15। क्लियर है क्या बातें? यस सर। तो हमको क्या करना है, हमको केल्विन से स्टार्ट करना है, केल्विन से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे ना वह किस में बनाएंगे, केल्विन में बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, वॉल्यूम है और यहाँ पे हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर मान लेते हैं केल्विन में, जब केल्विन में टेम्परेचर को लोगे तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन से। अगर आप केल्विन में लोगे तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओरिजिन से, क्योंकि हमारे पास यह भी केल्विन में और यह भी केल्विन में। अगर वी की वैल्यू 0 तो टेम्परेचर की भी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन पे क्या है, दोनों 0-0 है। तो वही अगर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो आप बताओ, जैसे कि मान लो ने आपने केल्विन में ले लिया, अगर वही आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो वही डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा केल्विन पे, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में बांटते हो तो डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि यहाँ पे आ गया -273.15, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको केल्विन में क्या कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू के टी, आप k को कुछ भी मान लो, आप k कोई भी कांस्टेंट है ना, आप k को क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम अगर 1 है तो टेम्परेचर कितना केल्विन होगा, 1 केल्विन होगा। अरे भाई आप वॉल्यूम को क्या रख दो, 1 रख दो, तो टेम्परेचर 1 ही होगा ना, अगर वॉल्यूम 2 होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 2 होगा। अगर ये 5 होगा तो यह 5 होगा, मैं बनाता हूँ ऐसे, 1 2 3, यहाँ पे है वॉल्यूम और यहाँ पे है टेम्परेचर, 1 2 और 3। तो सिंपल सी बात है, जब यह 0 था तो टेम्परेचर भी 0 था, और जब यह 1 हुआ तो टेम्परेचर भी कितना हो गया, 1 हो गया। जब ये 2 हुआ तो टेम्परेचर भी 2 हुआ, जब ये 3 हुआ तो टेम्परेचर भी 3 हुआ। तो क्या कुछ ऐसे ग्राफ आएगा क्या केल्विन का, बोलो। क्लियर है, यह रहा केल्विन का ग्राफ। अगर वही मैं डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बनाऊं, डिग्री सेल्सियस का ग्राफ, तो वॉल्यूम तो हमारा वही रहेगा, किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है, 1 2 और 3। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जब एक वॉल्यूम था तो 1 केल्विन क्या था, टेम्परेचर था। हम यह भी बोल सकते हैं कि जब 0 वॉल्यूम था तो उस टाइम टेम्परेचर कितना था, -273 डिग्री सेल्सियस था, कुछ इतना था गया,
यस सर। मान लो कि यह वाला एक्सिस क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है, यानी कि माइनस मेंसुर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं मानो कि यहाँ पे अगर मैं -273 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं -500 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं -1000 लिखता हूँ, तो आप बताओ कि जब टेम्परेचर, जब वॉल्यूम जीरो था, जब वॉल्यूम जीरो था तो उस टाइम यह कितना था? -273। आप बताओ एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, और मैंने वाई को वॉल्यूम लिया और एक्स को क्या लिया है? टेम्परेचर लिया है। तो वॉल्यूम को मैंने जीरो लिखा था तो टेम्परेचर कितना दिखाया था? -273.15। तो क्या यहीं से स्टार्ट होगा क्या? यस सर। क्लियर है बातें? अब सबको क्लियर हो गया क्या? नहीं क्लियर हो? हाँ जी बताओ, क्या पूछ रहे हो बताओ? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर, मुझे पूछना था इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स नहीं होती कोई? नहीं, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं फिक्स होती है। हम तो ग्राफ बनाने के लिए मान के चले हैं, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ नहीं फिक्स होती है। यह सिंपल सा पता है कंपैरिजन का क्वेश्चन देता है, कंपैरिजन का। ये सीधा नहीं पूछता कि वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना, कांस्टेंट की वैल्यू बता। वो सीधा पूछेगा वॉल्यूम एक टाइम इतना था, दूसरे टाइम इतना था, तो पहले टाइम टेम्परेचर इतना था तो दूसरे टाइम का टेम्परेचर बताओ। ऐसे पूछता है डायरेक्टली, कंपैरिजन वाला, कंपेयर करके। कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू नहीं। कांस्टेंट इज अ वैल्यू व्हिच इज व्हिच कैन बी बोलो क्या पूछ रहे हो आप? सर कांस्टेंट इज अ वैल्यू व्हिच कांट बी चेंज ना। हाँ चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसको रिलेटिवली यूज कर रहे हैं ना। जैसे कि मानो एक वैल्यू दे दिया, मतलब सिंपल सी बात है, आपसे यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लो वॉल्यूम स्टार्टिंग में 2 लीटर था, तो उस टाइम टेम्परेचर कितना था? 30 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है? या फिर आप मान लो 30 केल्विन था, तो बोल रहा है कि वॉल्यूम को मैंने छोटा कर दिया तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ऐसे पूछेगा। तो आप यह बताओ आपके okay. पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? V1 by T1 equal to K, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? V2 by T2 equal to K। तो आप क्या कर लो, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? यस कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, रिलेट करके, पहले वाले से रिलेट करके पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता। अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या? सर ये एक बार जो पिछला वाला बता रहे थे उसे एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ग्राफ? जी सर। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास जो फॉर्मूला है वी इक्वल टू क्या है? केटी है। आप हमको नहीं पता, वॉल्यूम मान लो लीटर में है, और टेम्परेचर को हमेशा किस में लेना है? केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है। अगर मान लो कि यह कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है या फिर वन है, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकते, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं क्या है, वन है। तो आप यह बताओ जिस टाइम वॉल्यूम को आप जीरो बोलोगे उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। केल्विन में बता रहा हूँ। अगर वॉल्यूम वन है तो टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर टू। तो इस हिसाब से बच्चों जो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो यहाँ पे ग्राफ आएगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है? Yes, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वही आप इस केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आप बताओ 0 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -273.15 या फिर जो भी हो, -273। तो यह बताओ अगर आप इसको माइनस एक्स एक्सिस मानते हो तो यहाँ पे कुछ -273 होगा क्या? यस सर। यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे -273, यहाँ पे -500 बोल लो, तो क्या कुछ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि यह है एक्स एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जब वॉल्यूम जीरो होगा तो उस टाइम केल्विन कितना होगा? -273 डिग्री। तो यहीं से तो पूरा ग्राफ स्टार्ट होगा ना। अभी भी नहीं क्लियर सर? हो गया क्लियर।
हो गया, सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑन अ शिप सेलिंग इन स्पेसिफिक ओशियन वेयर टेम्परेचर इज, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 23.4 डिग्री सेल्सियस। अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर, जब टेम्परेचर 23.4 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था 2 लीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून, अब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है। When the ship reach Indian Ocean where temperature is 26.1 degree Celsius. अब आप इसको T1 मान लो, इसको B1 मान लो, इसको V2 मान लो, इसको T2 मान लो, बताओ। और सबसे पहले आपको टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन। केल्विन। आंसर बताओ आप लोग, जल्दी बताओ आंसर। यह बताओ कि जो यहाँ पे वॉल्यूम है वह 2 से ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा, यह तो बता सकते हो ना। से ज्यादा, ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को बढ़ना है, क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। हाँ, तो आंसर बताओ आप लोग, कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर बता दो आप लोग। 2.018 लीटर। सिंपल सी बात है, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, V1 by V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. V2 upon T2. हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 T1 by T2. अब हमें करना क्या है, V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, T1 की वैल्यू कितना है, 23.4 है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 273 से प्लस कर दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 26.1, और इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दो, केल्विन में कन्वर्ट कर दो। अब आंसर बताओ किसका कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है सबका, 2.018 लीटर। हिमांशु क्लासेस 7 बजे क्यों नहीं हो रही है, काफी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे इसकी वजह से। सर मैं अभी तो ज्वाइन नहीं कर पा रहा ना। एक बार आपके ग्रुप में ना मैम का नंबर होगा, उनसे एक बार कॉल करके बताना जो लिंक भेजती है, ठीक है। ओके सर। तो सबका आंसर कितना है, सभी को आंसर बताओ अपना। 2.018। सबका सेम आंसर आया है क्या, यस सर। 2.018 लीटर, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। यह बताओ चार्ल्स लॉ समझ आ गया, यस सर। अब अगला जो बच्चों हमारा लॉ है वो क्या है, गे-लुसॉक लॉ। तो इसमें क्या बोलते हैं, वो भी एक गुब्बारा लेते हैं, उसमें गैस को ऐड करते हैं। अब इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि इसका वॉल्यूम आप क्या कर लो, फिक्स कर लो, और नंबर ऑफ मोल क्या कर लो, फिक्स कर लो। तो जो प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। मतलब यह उन्होंने बोल दिया कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, डिक्रीज होगा। क्या मैं पी इक्वल टू के टी लिख सकता हूँ क्या, बोलो। कुछ yes, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, P1 by T1 is equal to P2 by P2, सेम पुराना वाला ही, क्लियर। यस सर। और ग्राफ भी सेम वैसे ही आएगा, ग्राफ भी सेम वैसे ही आएगा, तो आप पढ़ लेना यार ग्राफ वगैरह, देखो ग्राफ भी सेम ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि फॉर्मूला जब सेम है तो ग्राफ भी क्या होगा, लगभग सेम ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। देखो यह केल्विन में है तो कहां से स्टार्ट हो जाए, ओरिजिन से स्टार्ट होता, ओरिजिन से डिग्री सेल्सियस में होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है। यस सर। पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। सर 0 जो केल्विन है वो इक्वल होता है -273.15 सेल्सियस। देखो
देखो मैं बताता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो कितना होता है, 273.3, मतलब 273 केल्विन होता है, ठीक है, 273 केल्विन होता है। क्या बात है, तो अगर आपको एक केल्विन मतलब 0 केल्विन लिखना हो तो -273 केल्विन हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ? जैसे कि आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि सर केल्विन ही केल्विन में कैसे कन्वर्ट हो गया? सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे 0 केल्विन जो होगा ना, 0 केल्विन वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है? सर आपने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है -273 केल्विन के बराबर होता है। अरे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, लेकिन 0 केल्विन जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, कंफ्यूज होगा क्या आप लोग? कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ एक बार बताओ। सर जो अगर सर अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो नीचे हम टेम्परेचर केल्विन में लेंगे या सेल्सियस में लेंगे? देखो हम तो केल्विन में लेके चलेंगे, क्योंकि केल्विन में लेंगे तो डायरेक्टली ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो हम ग्राफ ओरिजिन से बना के चलेंगे। और आपको पता है जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV=nRT, तो उसमें जो टेम्परेचर है हमेशा केल्विन में ही लेके चलते हैं, ठीक है? आप यह बताओ टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन ही होता है ना, तो यस सर हम केल्विन में ही लेके चलेंगे, ठीक है? आगे बढ़े आगे बढ़े तो बताओ। यस सर। अब अगला आता है अवोगैड्रो लॉ। क्या आता है? ये लुसैक ने कहा था कि वो सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में कंबाइन होंगे हमेशा। ये गे लुसाक ले सिंपल, देखो गे लुसाक ने क्या बोला था, गे लुसाक ने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया और नंबर ऑफ मोल को फिक्स कर दिया, और उन्होंने यह बोल दिया कि प्रेशर आप जितना बढ़ाओगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा, प्रेशर आप जितना भी बढ़ाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आप बताओ अगर आप किसी का किसी पे प्रेशर ऐसे लगाते हो तो क्या वो गर्म हो जाता है क्या ऐसे कुछ? सर ये लॉ चार्ल्स लॉ से अलग कैसे है मतलब? अरे बता तो रहा है, सबने अपना अलग अलग लॉ दिया था, कई लॉ को तो उसी के जैसा है। उसी के जैसा नहीं है। चार्ल्स ने क्या बोला था, चार्ल्स ने बोला था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। चार्ल्स ने ना वॉल्यूम के बारे में बोला था, प्रेशर के बारे में। चार्ल्स ने तो प्रेशर को कांस्टेंट किया था। ओके सर, सर मुझे वॉल्यूम और प्रेशर में कंफ्यूजन है। नहीं नहीं कंफ्यूजन मत हो, कंफ्यूजन मत हो आप लोग, अभी मैं सब बताऊंगा फिर से। अब आते हैं किससे, अवोगैड्रो लॉ पे। किस पे आते हैं? अवोगैड्रो लॉ पे। तो अवोगैड्रो ने सिंपल बोला था, उन्होंने भी क्या कर दिया था, गुब्बारा लिया था और उन्होंने गैस को इसमें भर दिया था, और उन्होंने क्या बोला था, आप टेम्परेचर को फिक्स कर लो, प्रेशर को फिक्स कर लो। तो आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लोगे ना, तो जो उन्होंने वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ मोल के। अगर आप किसी गुब्बारे में अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा? बलून ही ले रहे हैं। अरे बैलून नहीं ले रहे, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ ऐसे कि ये बैलून वाला समझना काफी इजी है। आप बताओ इसमें बैलून ना लिखे इसमें कंटेनर लिखा है, तो कंटेनर तो कुछ भी हो सकता है ना, बैलून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें रखने वाला हूं। हाँ मैं आपको बस क्या बोल रहा हूँ, बैलून ही बोल रहा हूँ, क्लियर है? यस सर। अब सिंपल सी बात एक बार और बताता हूँ। तो देखो इन्होंने क्या बोल दिया था, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। आपको पता है कि अगर आप एक मोल जैसे कि मान लो, या फिर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v भी बोल सकते हो, आपको पता है अगर मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एक मोल है तो वॉल्यूम कितना होता है गैस का, 22.4 लीटर होता है क्या? यस सर। अगर दो मोल होगा तो कितना होगा, 44.8। अगर हाफ मोल होगा तो कितना होगा, 12.2। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाओ तो मोल बढ़ रहा है, या फिर मोल बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यह लॉ किसने दिया था? अवोगैड्रो ने।
क्लियर हो गया? सर इसमें बलून के अंदर गैस भर के करा जा रहा है ना? हाँ उसी से होगा। देखो यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे मतलब कंटेनर वगैरह ये लोग अक्सर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, इट्स स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दोगे तो नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल के। आप बताओ, जैसे कि मैं आपसे यह बता रहा हूँ, yes, सिंपल सी बात देखो, मानो यह हमारे पास क्या है, डब्बा है। आपने प्रेशर को फिक्स कर दिया और क्या कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, yes, अगर मानो आपके पास क्या है, आपके पास 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। और 1 मोल होगा तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 × 10⁻³। तो आप बताओ, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे क्या? यस सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेंगे। यस सर, यस सर। अब देखो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने अलग अलग गैस के लिए भी ले लिया था, अलग अलग गैस के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक डब्बा ले लिया, 2 डब्बा ले लिए, इन दोनों डब्बे का टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दिया इन्होंने, फिक्स कर दिया, यानी कि कांस्टेंट कर दिया। तो कांस्टेंट कर दिया तो क्या, तो जितना वॉल्यूम इस डब्बे का होगा उतना वॉल्यूम इस डब्बे का कर दिया, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दिया, सेम कर दिया। जब दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया ना, तो उन्होंने देखा दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सेम है। आप बताओ, जब दोनों में वॉल्यूम सेम होगा तो जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो भी सेम होंगे। यस सर। जब नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे। यस सर। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। तो देखो ये क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट देखो, ये लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गए क्या आप लोग? सर वो कोई भी गैसेस हो सकती हैं, दो अलग अलग गैस भी हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं। क्या सर गैसेस डिफरेंट भी हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, गैसेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही गैस है। गैसेस आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, अगर मैं H2SO4 लेता हूँ, मान लेते हैं कि यह गैस है, और मैं HCl ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यह भी क्या है, गैस है। अगर यह 22.4 लीटर है और यह भी 22.4 लीटर है, तो आप बताओ दोनों कितना मोल है, दोनों एक एक मोल है, 1 मोल। तो आप बताओ, जब दोनों एक एक मोल है तो दोनों में मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, 6.023 × 10⁻³। क्लियर है क्या? यस सर। नंबर ऑफ मोल सेम है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आई होप क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़े? यस सर। आओ थोड़ा समरी ले लेते हैं, समरी। तो सबसे पहले ये बता, बॉयल्स ने क्या बोला था, बॉयल्स ने क्या बोला था, इन्होंने क्या किया था, टेम्परेचर को फिक्स किया था, फिक्स किया। जो प्रेशर था वो क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सल टू वॉल्यूम, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर। आकाश अपनी माइक बंद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है आपके। अब देखो ये तो हो गया बॉयल्स, बॉयल्स के बाद कौन आए थे, चार्ल्स ने क्या बोला था, आप प्रेशर को नंबर ऑफ मोल सबने कॉमन है, प्रेशर को क्या कर लो, फिक्स कर लो। जब आप प्रेशर को फिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रहा है बताना, एक बार आकांक्षा, आकांक्षा अपना माइक बंद कर लो, ठीक है। अब चार्ल्स के बाद कौन आए थे, गेलुसाक ने क्या बोला था, वॉल्यूम फिक्स करेंगे, वॉल्यूम को फिक्स कर लो, नंबर ऑफ मोल्स भी तो फिक्स होगा ना। हाँ ये नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी है, आप इसको भी क्या कर लो, फिक्स कर लो। बॉयल्स में भी था, चार्ल्स में भी था,
अब गेलुसॉक में भी था, ठीक है। अब इसने जब गेलुसॉक ने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो इन्होंने क्या बोला था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। क्लियर है बातें? टेम्परेचर क्लियर है बातें? क्लियर है। तो अब इन्होंने क्या हो गया, हाँ गेलुसॉक हो गया। अब इसके बाद कौन था? अवोगैड्रो ने क्या बोला था कि आप प्रेशर को भी फिक्स कर दो, टेम्परेचर को भी फिक्स कर दो। जो वॉल्यूम था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स। ये बताओ ये सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। और अगर सर दो गैसेस को अगर हम लेंगे और उनका वॉल्यूम सेम होगा, नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा, तो मॉलिक्यूल वो भी सेम होंगे ना? मॉलिक्यूल नहीं सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। यस सर। मॉलिक्यूल नहीं सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। क्लियर बातें? Yes, sir. ठीक है। अब आओ हम क्या बातें करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले बॉयल्स को उठाता हूँ। तो बॉयल्स का मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई प्रेशर। अब फिर मैंने चार्ल्स को ले लिया, चार्ल्स में क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब फिर मैंने अवोगैड्रो को ले लिया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। आप बताओ जब एक ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सबका सेम सेम है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल और डिवाइडेड बाई प्रेशर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अब बताओ ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाने के लिए कुछ ना कुछ लगाऊंगा, कॉन्स्टेंट लगाऊंगा, आर लगा दिया, तो टी एन और पी। तो इसको मैं और भी अच्छे से क्या लिख दिया, पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी यही क्या है हमारा आइडियल, आइडियल। जब हम इसमें कॉन्स्टेंट कुछ भी लगा सकते हैं तो हमने के क्यों नहीं लगाया? देखो इसका कॉन्स्टेंट तो फिक्स है ना, ऊपर से ही चल के आया कि नहीं आर ही लगाना है, बोलो। आप बताओ क्या हम लोगों ने कई जगह ऐसे कांस्टेंट लगाते हैं वो कि फिक्स वैल्यू होता है उसका, जैसे कि हमने कहां पढ़ा था फिजिक्स में, आप लोग कहां पढ़े हो कि जो उसकी वैल्यू फिक्स होती है? सर ग्रेविटी वाले में। ग्रेविटी वाले में कैपिटल जी लगाते थे क्या आप लोग? यस सर। उसकी वैल्यू क्या होती थी, फिक्स होती है। यस सर। यस सर। तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसमें भी यही लगाएंगे, गैस कांस्टेंट। आर को हमने क्या बोल दिया, गैस कांस्टेंट। तो आपको पता चला क्या, यह आइडियल गैस इक्वेशन देने के लिए इतने सारे लोगों ने गैस पे अपना अलग अलग लॉ लगाया, अलग अलग अपना नियम लगाया, और इन सबको मिला के एक अलग ही इक्वेशन बना, और उसको हमने क्या बोल दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है क्या बातें? यस सर। आई होप आप लोग समझ गए होगा सभी को। हाँ दीप्ति पूछ रहे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बच्चों हमने यह वाला गेलुसॉक का नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन बना रहे थे ना, इसमें हम इनडायरेक्टली देख रहे थे कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। देखो यहाँ पे अगर आप प्रेशर की वैल्यू बढ़ाओगे या फिर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली बढ़ेगी। तो वो इनडायरेक्टली वही बातें वो भी बोल रहा था आइडियल गैस इक्वेशन, इसलिए हमने गेलुसॉक को नहीं लिया उसमें। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताओ, अब हम यहाँ पे निकालते हैं आर की वैल्यू। जो आर को हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल पी भी बाई एनटी एनटी। तो अगर मान लो आर की वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यू होती है 8.314 होती है। बच्चों यह जो आर का वैल्यू है ना चेंज होता रहता है, यह जूल में वैल्यू है इसका, अगर कैलोरी आएगा तो चेंज हो जाएगा, एटीएम होगा तो अलग होगा, पास्कल होगा तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि हमें लाना किस में है, किस यूनिट में। तो हम सब आगे पढ़ेंगे जब हमें, हाँ। तो सिंपल सी बात देखो, अब क्या हो रहा है कि मानो हमारे पास दो, क्या बोलते हैं, दो डब्बे हैं। अगर मानो इसका प्रेशर पी वन है, वॉल्यूम क्या है वी वन है, टेम्परेचर टी वन है, और नंबर ऑफ मोल एन वन है, और इसका अलग अलग है P2, V2
T2 और N2 है, तो क्या हो जाएगा P1 V1 by T1 N1 equal to P2 V2 by T2 N2। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या आपको, कैसे हुआ? दो गैस का लिए है। क्या दो गैस का लिया? दो गैस का नहीं लिया, एक ही गैस का लिया अलग अलग कंडीशन पे। मान लो एक टाइम प्रेशर P1 था, तो जब मैं प्रेशर कम कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो आप बताओ वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा क्या, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा? यस। हाँ, तो उस हिसाब से लिया गया है। आओ इस पे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, फिर समझ आ जाएगा। ये पढ़ लेना ये लोग, आप लोग। हाँ गया। हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T1? 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना आएगा? 298। एंड 760 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर का वॉल यूनिट है। प्रेशर का यूनिट कितना है? 760 mm Hg। गैस ऑक्यूपाई 600 ml वॉल्यूम, V1 कितना है? 600 ml। व्हाट विल बी द प्रेशर एट हाइट वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस? हमें क्या पूछा है? प्रेशर पूछा है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम वॉल्यूम, यस सर, बताओ 640। आप बताओ क्या इसमें नंबर ऑफ मोल का कहीं बात किया है क्या? नो सर। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल क्या है? हम केल्विन में लेंगे। अब इक्वल टू क्या करेंगे, P2 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है, V2 की वैल्यू 640 और T2 की वैल्यू 283। तो जो P2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा वो कितना आएगा? 6.6 mmHg। और जो बच्चों ये प्रेशर का अलग अलग यूनिट है ना, और गैस कांस्टेंट का अलग अलग यूनिट, हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में इसको बताएंगे। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. देखो, इतना आपने समझ लिया। अब क्या दिया हुआ हमें, प्रेशर टेम्परेचर कम किया हुआ है। जब टेम्परेचर कम किया हुआ है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का कोई रिलेशन था क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप लोग यह बताओ, आप लोग एक बातें बताओ, जैसे कि मान लो कि अगर हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, अगर इसका ABCD ऑप्शन होता कितना होता? 780 mmHg, 790 होता, 800 होता और 650 होता। यह बताओ आप चारों में से कौन सा लगाते? सर 650। कैसे कैसे सर? ज्यादा करीब वही है। करीब की बात नहीं है, आप देख के ही लगा सकते हो, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप बताओ हमने क्या पढ़ा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर हमने यह भी पढ़ा था, इसको हटाओ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आप बताओ प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा? यस सर। या फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा? पहले टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ टेम्परेचर बढ़ा है कि घटा है? सर घटेगा। प्रेशर क्या घटेगा या घटेगा? तो आप बताओ प्रेशर 760 से कम होगा या फिर ज्यादा होगा? कम होगा। आप बताओ इन तीन ऑप्शन में ज्यादा आंसर दिया हो, बस एक ही में कम दिया हुआ है, तो हम बिना देखे लगा सकते हैं? लेकिन अगर दो ऑप्शन का भी कम आ गया ना तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। क्लियर है क्या बातें? यस सर। और थोड़ा सा और भी बातें कर लेते हैं इसमें। अब देखो इसमें होता क्या है कि हम जानते हैं कि एक मोल में जो होता है वो कितना लीटर होता है?
22.4 लीटर होता है, लेकिन लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है। पहले 22.4 हुआ करता था, लेकिन आजकल के एनसीईआरटी में 22.7 भी लिखा रहा है। देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर का क्या मतलब हुआ एक बार यानी कि 10^5 पास्कल। दीज वॉल्यूम एप्रोक्सीमेटली फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमोस्फियरिक प्रेशर एट सी लेवल। The STP molar volume of ideal gas combination is ideal gases। अगर देखो, अगर सब चीज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तो उस टाइम वॉल्यूम कितना होगा आइडियल गैस का, 22.7। हम बता रहे हैं हम लोग अभी तक जो पुराना एनसीईआरटी था ना उसमें कितना था 22.4, लेकिन अभी भी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना वो 22.4 पे ही हम लोग करते हैं। यह नया कैलकुलेशन आया, यह नई नई खोज हुई है, नया वो हुआ है। अब हम देखते हैं कुछ कुछ गैस का जो होता है 22.4 होता है, कुछ कुछ गैस का 22.7 होता है और वैरी भी करता है। जैसे कि देखो, अगर आप आर्गन की बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22.37। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। और आप आइडियल गैस की बात करोगे तो कितनी आएगी, वैल्यू हुआ है नया चेंज हुआ, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितने पे करते हैं 22.4 पे ही करते हैं। क्लियर है क्या बात है? यस सर। बताओ आप नंबर कॉल करने के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे? 22.4। अगर उसमें लिखा होगा 22.7 तो आप 22.7 लेना, वरना कितना लेना 22.4। आप बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे आप लोग निकालते हो, नंबर ऑफ मोल आप लोग कैसे निकालते हो? मास बाय मोलर मास। क्लियर है क्या? ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। हाँ जी बताओ सर, जो ऑक्सीजन होता है और डाइऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन गैस होता है वो सेम ही होता है या अलग अलग होता है? देखो, ऑक्सीजन को हम लोग ओ से लिखते हैं, ठीक है, और जो डाई ऑक्सीजन है उसको O2 से लिखते हैं। और कभी भी जो गैस होता है ना वो कंबाइन फॉर्म में होता है, यानी कि क्या होगा, डाई ऑक्सीजन फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन एटम की बात करोगे तो वो सिंगल क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात करोगे तो क्या होगा, डाई ऑक्सीजन होगा, यानी कि O2 होगा। यस सर। सर मतलब डाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस सेम है? सेम है। ये पढ़ लेना आप लोग, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेना आप लोग, एक क्वेश्चन भी मैंने लगा दिया, ठीक है क्या? बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बताऊं मैं? यस सर। एक बार जाके ना, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, एक बार जाके रिवीजन करना, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। किसी को डाउट हो बताओ एक बार। सर अटेंडेंस लिखते हैं चैट बॉक्स, अटेंडेंस चैट बॉक्स में आप लोग लिख दो अटेंडेंस, आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है सर। वन क्वेश्चन में डाउट है, अभी सेंड कर रही हूँ। बिल्कुल सेंड करो आप। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? इसी चैप्टर का। बिल्कुल, कहाँ पे सेंड, ग्रुप में सेंड करो। यस सर। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको नीट के क्वेश्चन लगाऊं इसके, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर डिलीटेड है तो आप लोग जल्दी पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कोशिश करूंगा कि मैं नीट के क्वेश्चंस लगाऊं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कोशिश करूंगा कि मैं नीट के क्वेश्चंस लगाऊं। सेंड कर दिया क्या आपने? सेंड कर दिया क्या आपने बताओ? नहीं सर, अभी तो कुछ सेंड नहीं है। तो फिर आप बोल रहे हो ना सेंड कर रहे हैं। हाँ जी सालू, आपने सेंड किया। क्या पूछ रहा है ये? चलो कोई बात नहीं, आओ इसको बताते हैं, आओ इसको बताते हैं।